देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। पुलिस मुख्यालय घेरा हजारों पुलिस जवानों ने, लगाए उन्होंने नारे, किरण बेदी जैसी पुलिस अधिकारी चाहिए इस बात के भी नारे लगे। कहानी यह है कि वकीलों से हुई हिंसक झड़प के बाद जवानों पर की गई कार्रवाई के विरोध में दिल्ली पुलिस के हजारों जवान मंगलवार को सड़क पर उतर आए। अपनी मांगों को लेकर देश के इतिहास में पहली बार पुलिसकर्मियों ने अपने ही मुख्यालय के बाहर 10 घंटे तक धरना दिया और जमकर नारेबाजी। कुल मिलाकर मुख्यालय की सभी ओर पुलिस वाले ही नजर आ रहे थे। देखने वालों ने पहली बार ऐसा नज़ारा देखा और दिन भर टीवी भी लाइव दिखाता रहा कि किस तरह से पुलिस वाले इंसाफ मांग रहे हैं अपनी मांगों के लिए। उल्लेखनीय है कि वकीलों से पुलिस की झड़प होने के बाद जब वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो पुलिसकर्मी सड़क पर उतर आए। दिल्ली के विभिन्न इलाकों से पुलिसकर्मी ITO स्थित पुराने पुलिस मुख्यालय में इकट्ठा होने लगे। सेवानिवृत्त तथा वर्तमान में पुलिसकर्मियों के परिजन भी प्रदर्शन में शामिल हुए। रात 8 बजे धरना खत्म हुआ। कुल मिलाकर पुलिसकर्मियों की यूनियन बनाने, की गई कार्रवाई वापस लेने और आरोपी वकीलों पर कार्रवाई करने सहित 7 मांगे मान ली गई हैं। यह भी कहा गया है कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पुलिस वालों के साथ कोई अन्याय नहीं हो। इधर देखते ही देखते हरियाणा के रिटायर्ड पुलिस का जत्था भी दिल्ली पुलिस के समर्थन में आ गया। प्रदर्शन तथा नारेबाजी का जो सिलसिला चालू हुआ तो वह देर रात तक चलता रहा। खूब नारेबाजी हुई। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी पुलिस आयुक्त CP से इस्तीफे की मांग भी करने लगे। पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने कहा, न्यायिक जांच हो रही है, हालात में सुधार हो रहा है। यह सुनते ही पुलिसकर्मी नाराज हो गए। पुलिसकर्मी CP बैक के नारे लगाने लगे। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने यह भी नारा लगाया कि पुलिस कमिश्नर कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भी यह सवाल उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री इतने बड़े प्रदर्शन पर खामोश क्यों हैं? उनकी कोई भी प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।